तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या कर रहा है कि देखो, एनर्जी लेवल से बहुत सारा एनर्जी लेवल दिया हुआ है, और विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन रिजल्ट इमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब कौन से ट्रांजिशन में जो लैम्डा है, जो फोटोन है, उसकी वेवलेंथ इतनी आएगी। तो मेरे भाई, अगर ए से, यहाँ से ए से दो वन से ए वन से टू में जंपिंग हुआ है, ठीक है, ए से यहाँ से तुम देखोगे तो बेसिकली अगर देखोगे फर्स्ट केस में जो है, हाँ, ए फॉर एनर्जी रिलीज इन ट्रांजिशन ए, तो फाइनल एनर्जी कितना भाई? फाइनल एनर्जी 0.02 माइनस और माइनस 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह आ जाएगा प्लस 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन बाहर आएगा। और एनर्जी इन बी, बी में, यहाँ से बी में जंप हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस देखोगे तो 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन बाहर आया होगा। और सी में अगर बात करोगे तो, सी में अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा, तो सी में ये देखोगे तो 5.2 माइनस 2.2, तो 2.2, तो 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन बाहर आया होगा। और एनर्जी भाई, नंबर दिया ना, लैम्डा निकालना, तो नंबर तो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो डी ट्रांजिशन में तुम देखोगे तो 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन बाहर आया होगा। तो ये जो आ रहा है, ये जो नंबर आ रहे हैं, ये वाला जो नंबर आ रहा है, दैट इज बेसिकली एनर्जी रिलीज ऑफ द फोटॉन इन द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब एक्चुअली में एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो उस केस में अगर मैं तुम अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखने के केस में तो जो लैम्डा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू वो आ जाएगा एच सी अपॉन डेल्टा ई एनर्जी। यहाँ से, तो यहाँ से तुम देखोगे जो एनर्जी आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा, वो आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली एनर्जी एच सी। तो अब सबसे पहले इस केस में जो लैम्डा, ए के केस में जो लैम्डा आ जाएगा वो एस सी, एस सी इज इक्वल टू 12 नंबर, 402 को यूज करता है, अगर नैनोमीटर में यूज करोगे तो कोई 400 ये जीरो यूज करता है, तो 2.2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसका इसको यूज करता हूँ तो ये 564 नैनोमीटर वेवलेंथ आ जाएगा। और अगर बी के केस में यूज करोगे तो 1242 यहाँ से यूज करोगे, और यहाँ से वन, तो यहाँ से आ जाएगा 5.2 में डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 238.65 नैनोमीटर। और अगर सी में बात करोगे तो 12421, यहाँ से तुम देखोगे तो थ्री, तो यहाँ से तुम बात करोगे तो 413.66 नैनोमीटर आ जाएगा। और अगर डी में बात करोगे तो 12421, और यहाँ से 10, और इसकी वैल्यू 1241, यहाँ से आ जाएगी 1 नैनोमीटर। तो एक्चुअली क्या था, नंबर था, तो नंबर था तो हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, मतलब डी वाले ट्रांजिशन में हमारा ये वाला वेवलेंथ रेडिएट होगा, जो फोटॉन बाहर आएगा यहाँ से, उस फोटॉन की जो लैम्डा होगी, जो फोटॉन बाहर आया उस फोटॉन की लैम्डा यही होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।